नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शनिवार को होने वाले पंजाब और लखनऊ के बीच आईपीएल के 11वें मैच की। तो सबसे पहले आपको इन दोनों मैच के हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट और यहां का जो मौसम का मिजाज और इन दोनों टीमों के बीच में हुए मैचों के रिकॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। शिखर धवन की कप्तानी वाली पंजाब की टीम लखनऊ सुपर जॉइंट्स टीम के साथ बीच शनिवार को जो मुकाबला होने वाला है वो जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। ये मुकाबला अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम लखनऊ में होने वाला है, जो कि लखनऊ की टीम का होम ग्राउंड भी है। आईपीएल के दूसरे मैच में लखनऊ सुपर जॉइंट्स की नजर अब हर विभाग में बेहतरीन प्रदर्शन करने पर होगी, क्योंकि लखनऊ की टीम है वो अपना पहला मुकाबला हार के आ रही है। लखनऊ की टीम को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 20 रनों से हार का सामना करना पड़ा था जयपुर में। इस मैच में कुणाल पांड्या को छोड़ के लखनऊ के लगभग सभी गेंदबाजों ने रन लुटाए थे और वे प्रभावित नहीं कर सके थे। बता दें, लखनऊ सुपर जॉइंट्स को अभी तक कोई अंक नहीं मिला है और वह पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है। वहीं पंजाब के दो मैचों में 2 अंक हैं और वह 5वें नंबर पर है। अगर पिच रिपोर्ट की बात की जाए, दोनों टीमों के बीच ये मैच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस पिच पर बल्लेबाजों को मदद मिलती है और गेंदबाजों को कुछ खास सपोर्ट नहीं मिलता। हालांकि इस पिच पर धीमे गेंदबाजों को कुछ सहायता मिलती है, यानी कि स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी। ये पहली बार है जब आईपीएल 2024 का मैच इस स्थान पर खेला जा रहा है, यानी इससे पहले आईपीएल का कोई भी मैच 2024 में कोई मैच नहीं खेला गया है। इसलिए इस साल की पिच कैसा व्यवहार करेंगे इसकी तुलना अभी से बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन शाम होते होते जैसे ही पिच की फोटोज वगैरह आएंगे हम आपको बता देंगे। लेकिन अभी के लिए आपको इतना बता दें कि इस पिच के ऊपर बैटिंग करना आसान रहेगा, वहीं स्पिन बॉलर्स के लिए मदद मिलेगी। लखनऊ के आईपीएल 2022 में डेब्यू के बाद से अब तक लखनऊ और पंजाब के बीच 3 आईपीएल मैच खेले गए हैं। लखनऊ ने उसमें से 2 जीते और पंजाब ने 1 मैच जीता है। अब अगर इनकी टीमों के आपसी स्कोर की बात की जाए तो पंजाब का लखनऊ के खिलाफ अब तक का हाईएस्ट जो स्कोर है वो 257 रन का है इन्हीं 3 मैचों में से। वहीं जो लखनऊ की टीम है उसने पंजाब के खिलाफ अपना हाईएस्ट स्कोर 201 रन बनाया है। अब नजर डालते हैं ड्रीम इलेवन की टीम पर। तो ड्रीम इलेवन की टीम में सबसे पहले लखनऊ के प्लेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर लखनऊ के प्लेयर्स के बारे में बात करें तो उनमें सबसे पहले केएल राहुल का नंबर आता है। केएल राहुल और निकोलस पूरन ये दोनों ही अपनी टीम के लखनऊ की टीम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस मैच की खास बात ये रहेगी, इसमें आप क्विंटन डिकॉक को मिस नहीं करना चाहोगे। वहीं पंजाब से जितेश शर्मा को और परमजीत सिंह को, यानी कि विकेट कीपिंग सेक्शन में 5 बल्लेबाजी करने वाले प्लेयर रहेंगे, तो आपको उन्हें 5ों को ही पिक करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इनमें से किसी को भी मिस करना चाहता हूं, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मैं आपको पिछले मैच का लाइनअप दिखा देता हूं, इस लाइनअप के अकॉर्डिंग जो बल्लेबाजी आती है उसमें ये चारों फिट बैठते हैं। वहीं तो आप इन्हें अच्छे से देख सकते हैं। 3 हैं वो लखनऊ की टीम के और 2 हैं वो पंजाब की टीम के। अब अगर पंजाब की टीम के बाकी प्लेयर्स की बात की जाए तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है, ये मैदान बैटिंग के अनुकूल है, तो आपको शिखर धवन, जॉनी बेस्टो को भी टीम में ले लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको पहले से बता देता हूँ, अगर काइल मिट्स खेलते हैं तो आपको क्विंटन डिकॉक या निकोलस पूरन की जगह उनमें से एक की जगह इसको ले लेना है। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। पंजाब का सबसे अहम प्लेयर ऑलराउंडर सेक्शन में है सैम करन और लायम लिविंगस्टन। ये 2 प्लेयर पंजाब के आपको ऑलराउंड सेक्शन में मिल जाएंगे। आप इनमें से किसी एक को ले सकते हैं या चाहे दोनों को ले सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड देखेंगे तो ऑलराउंड सेक्शन में मार्कस स्टोइनिस भी अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अगर आप उन्हें के साथ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता आप स्पिन गेंदबाजी में
लखनऊ के लिए किसी को भी पिक कर पाएंगे फिर। तो लखनऊ के लिए स्पिन गेंदबाजी में आपको तो सबसे बड़ा ऑप्शन नजर आ रहा है रवि बिश्नोई, जो कि आपको लेने भी चाहिए। अब 10 प्लेयर लेने के बाद एक बार टीम पे नजर डाल लेते हैं। तीन विकेट कीपर बैट्समैन है, लोकेश राहुल, निकोलस पुरन, क्विंटन डिकॉक लखनऊ से, और दो विकेट कीपर बल्लेबाज रहेंगे जितेंद्र शर्मा और परमसिमरन सिंह पंजाब से। दो बैटिंग सेक्शन में शिखर धवन और जॉनी बेस्टो, वहीं दो ऑलराउंडर में सैम करन और लाइम लिविंगस्टन। गेंदबाजी में अभी तक हमने एक ही लिया है। वैसे आपको बता दें लाइम लिविंगस्टन और सैम करन भी गेंदबाजी करते हैं। लखनऊ की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए अभी तक सिर्फ रवि बिश्नोई को लिया गया है। वहीं अगर ऑलराउंड सेक्शन से आप कुणाल पांड्या को अगर आप पिक कर लोगे तो इस तरह से लखनऊ से आपको 5 प्लेयर मिल जाएंगे, साथ ही 2 स्पिनर भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से अपनी प्लेइंग 11 कंप्लीट होती है। इसके अलावा अगर शाम तक कोई पिच रिपोर्ट में कोई बदलाव आता है या फिर प्लेइंग 11 में कोई किसी तरह का बदलाव आता है तो हम आपको शाम को 7 बजे इसी चैनल पर मिलेंगे। उस वक्त आपको 5 टीम और देंगे जिन टीम्स के द्वारा आप ग्रैंड लीग भी खेल सकते हैं। ये आपको हेड टू हेड की टीम दी गई है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आज शाम को 7 बजे वाले मैच में।